हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी बज रहे हैं 10:30 और दिल्ली में हो रही है बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। NCR में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, शाम से इवन सुबह से ही हो रही है। और हम जा रहे हैं मूलचंद के पराठे खाने। मेरा सुबह से इतना मन था मूलचंद के पराठे खाने का, मैंने 4 साल पहले खाए थे। अब मैंने इनको खिलाए थे और अब मेरा मन दोबारा कर रहा है मूलचंद के पराठे खाने का। शादी से पहले खाए थे? हाँ, शादी से पहले हमने खाए थे। और ये गर्लफ्रेंड थी, मैं बॉयफ्रेंड था। अच्छा, तो और इतने मतलब इतना टेस्ट था ना उस टाइम, आज मेरे दोबारा मेरे को मन कर रहा है। सीरियसली मेरे मुंह में पानी आ रहा सोच सोच के कि क्या होगा। अब मुझे ये टेस्ट का नहीं पता है, अब वो बदल गया, 4 साल हो गए हैं मतलब जब नहीं खाया है। अब वो पता नहीं कैसा रहेगा, उस लेवल पे रहेगा, उससे अच्छा रहेगा या उससे बुरा रहेगा, ये तो हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बारिश के नज़ारे दिखा दूँ। तो बाकी देखते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और हम आपको भी शेयर करेंगे 4 साल बाद वही टेस्ट आया चेंज हो गया। दो लस्सी दो दही, दो ज्यादा नहीं हो जाएंगे, यू मत खाना, तीन मैं खा लूंगा। चलो इनकी कैपेसिटी इतनी है कि खा सकते, तुम इनकी बॉडी पे लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे लस्सी और इनका कॉम्बो भी देख। सीट गरम थी यार, ओहो हो, क्या हो गया? सीट गरम थी आलू पराठों से। हमने खाना खा लिया, पराठा खाया, लस्सी खाई है, लस्सी पी है और खीर खाई है। इनकी लस्सी बची हुई है अभी भी, मैंने तो फिनिश कर दिया सब कुछ, मेरे को इतना टेस्टी लग रहा था पराठे का। पीन जा रही है लस्सी में, लस्सी कम है साले, इतने ड्राई फ्रूट भर रखे हैं, इतने ड्राई फ्रूट भर रखे हैं, चबाते चबाते मुंह थक गया, पर लस्सी ना खत्म हुई अभी तक। ऐसी ऐसी खीर में कर रखा है, चावल कम है और ड्राई फ्रूट। पराठा मुझे सही लगा, पराठा तो बढ़िया था एकदम, मजेदार। क्योंकि बहुत टाइम बाद खाए हैं इसलिए क्या पता, हमें एक्चुअल में नहीं पता वो 4 साल के बाद कुछ अगर टेस्ट में कुछ डिग्रेड हुआ है या अपग्रेड हुआ है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन अभी हमें अच्छा लगा, उसके ऊपर कस्तूरी मेथी और पता नहीं
मसाला डला हुआ था वो भी अच्छा था। एंड सेकंड वो दही लस्सी की बात करते हैं, लस्सी में दही कम ड्राई फ्रूट ज़्यादा थे, इनके बाद ठीक है बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट था, तो आप पीते कम हो उसको खाते ज़्यादा हो, इतना चबाना पड़ता है कि आपको एक टाइम पे लगेगा यार दर्द हो गया नाकों में जबड़े में, चबा चबा के दर्द जाता है। लस्सी और दही तो तभी लो जब सिर्फ लस्सी और दही ले रहो बस, हाँ। पराठे अगर खाने हैं ना कोई मतलब नहीं बनता है, बोर हो जाओ एकदम। और खीर की बात, छोटी सी खीर बढ़ जाएगी ही एकदम, खीर छोटी सी कटोरी में आई थी उसमें भी ड्राई फ्रूट ज्यादा था और चावल और दूध थोड़ा कम थे, ये दोनों हमने केसर वाली ली थी जिसका प्राइस यही बता पाएंगे इन्होंने पे करा है। ड्राई फ्रूट वाली लस्सी 100 रुपए की है और ड्राई फ्रूट वाली खीर 80 रुपए की है, आलू प्याज पराठा 70 रुपए का है भाई। ओके, तो देखो अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें तो बहुत सही है, अगर आपको लस्सी 100 रुपए में कोई दे रहा है और उतना मतलब उस लेवल पे ड्राई फ्रूट मिल रहा है डला हुआ तो बहुत अच्छा है, हद से ज़्यादा ही अच्छा है, बाकी ये दर्द हो जाएगा चबा चबा के। पहले तो आप पराठे चबाओगे उसके बाद इतना चबाना पड़ेगा, दही लस्सी का पी तो सकते नहीं हो, चबानी ही पड़ेगी आपको। बाकी ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस 4 साल बाद बहुत अच्छा रहा, और कुछ बोलना चाहोगे आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया, 3 पराठे खाए मैंने, 3 इन्होंने 3 खाए, मैंने 2 खाए, जबकि मुझे सेकंड नहीं खाना चाहिए था, मुझको ओवर हो रहा है लेकिन मैंने अब भी खा लिया। मैं मेरे दूसरे के बाद ही ओवर हो गया था, तीसरा मैंने इसलिए खाया ताकि यहाँ पता नहीं क्या पता दोबारा 4 साल बाद ही आऊं, इसलिए खा लिया मैंने 4 एक साथ, 3 एक साथ। दिखाना है सामने, देखो सामने ये शॉप ना 11:30 बजे बंद हो जाती है भाई। अब इसमें आप ना सामने देख रहे हो वो लोग खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे होंगे, वहाँ पे क्या है उस तरफ ना छोटा सा सेक्शन है, उस तरफ वाला काउंटर खुला रहता है तो वो देर तक खुला रहता है, लेकिन मेन जो फ्रंट वाला होता है वो 11:30 बजे बंद हो जाता है। आओ मेट्रो स्टेशन के नीचे गाड़ी पार्क करो और दबा के खाओ भाई, झटके खाने का है मतलब। अब कब आएंगे हम इसके नानी खाने? अब 4 साल बाद अब आएंगे, तब जब बाइक ले लेंगे। ओके, अब बाइक से आएंगे अपनी नाइट राइड। हाँ नाइट राइड में अपने बाइक से आएंगे। तो अब हम संजय के चुचू नानी खाने 4 महीने बाद 3 महीने बाद 3 महीने पक्का? हाँ 9 3 से 4 महीने बाद अपनी बाइक से नाइट को आएंगे, ठीक है? बाइक से रात में आएंगे, नाइट को आएंगे। हाँ, नाइट आउट करना है, नाइट आउट के ही आएंगे। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय बाय, बोलो गुड नाइट, सो व्हाट खा लिया।